हरियाणा के सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसान नेताओं और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बरनाला रोड पर धरना दे रहे किसानों को वहां से हटा दिया है। पुलिस ने स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव को भी हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बुधवार सुबह आंदोलनकारी किसानों को हटाकर बरनाला रोड पर यातायात सुचारू करवा दिया है। डीएसपी कुलदीप सिंह, एसडीएम डॉक्टर जयवीर यादव की अगुवाई में पुलिस ने भूमन शाह चौक पर धरना दे रहे किसानों को उठा दिया और उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस लाइन पहुंचा दिया। पुलिस जवानों ने धरना स्थल पर बिछाई गई दरिया मैट को भी कब्जे में ले लिया है और धरना स्थल से वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी है। करीब आधे घंटे बाद स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि वह यहीं धरना देंगे। इसके बाद योगेंद्र यादव वहां चौक पर अपने 5 से 6 साथियों के साथ बैठ गए। बाद में पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। उधर डिप्टी सीएम आवास की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को प्रदर्शन में उपद्रव करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि मंगलवार शाम को किसानों ने भूमन शाह चौक पर पड़ाव डालने का ऐलान किया था। किसानों ने वहीं लंगर किया और रात को वहीं पर सोए। योगेंद्र यादव, प्रहलाद सिंह, भारूखेड़ा सहित अनेक किसान नेता धरना स्थल पर रहे। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि जब तक उप मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री त्याग पत्र देकर उनके साथ नहीं आ जाते, उनका धरना जारी रहेगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि गिरफ्तारी से किसान डरने वाला नहीं है, किसान सड़कों पर आ गया है और अब नहीं डरेगा। किसानों पर दमन कर पुलिस ने फिर पीपली की याद दिला दी है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन कानून वापस लेने तक जारी रहेगा। किसानों को हिरासत में ले जाने के दौरान अनेक किसान सड़क पर भी लेट गए, जिन्हें पुलिस ने जबरन उठाकर बसों में डाला और ले गए। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ी ने कहा कि भाजपा ने किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है। बीते दिवस भाजपा ने आंदोलन को दबाने के लिए अपने गुंडे भेजे, पत्थरबाजी करवाई। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन नहीं थमेगा, यह चलता रहेगा। आपको बता दें कि सिरसा में कृषि बिलों के विरोध में बरनाला रोड पर किसानों का धरना पूरी रात जारी रहा। मंगलवार दिन में वाटर कैनन और बल प्रयोग के बाद भी रात को किसान सिरसा में चौक पर डटे रहे, मगर धरना दे रहे किसानों को पुलिस ने बुधवार सुबह करीब 10 बजे हिरासत में ले लिया। उधर डिप्टी सीएम आवास की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। किसानों को हिरासत में लिए जाने के दौरान अनेक किसान सड़क पर लेट गए, जिन्हें पुलिस ने जबरन उठाकर बसों में डाला और ले गए। वहीं धरने के दौरान कुछ महिलाएं भी शामिल रही। देखिए योगेंद्र यादव ने व धरने के दौरान मौजूद महिलाओं ने क्या कुछ कहा। मैं यहाँ सरसा के सदर थाने से बोल रहा हूँ। पंजाब से जो चिंगारी चली है वो अब निश्चित हरियाणा पहुंच गई है। कल हजारों किसान दुष्यंत चौटाला के घर की तरफ मार्च किए, सिर्फ ये कहते हुए कुर्सी या किसान तुम दोनों में से एक चुन लो। पक्का मोर्चे का ऐलान किया, पुलिस ने बैरिकेड लगा के चौक पे रोक लिया। किसानों ने कहा हम हिंसा नहीं करेंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे। रात भर वहीं बैठे रहे, मैं भी उन किसानों के साथ था। और आज सुबह 10 बजे पुलिस ने अचानक हमला करते हुए सारे धरने को तोड़ दिया, सभी किसानों को, किसान नेताओं को डिटेन कर लिया, मुझे भी डिटेन कर लिया गया। इस तरह से हरियाणा पुलिस ने किसानों पे दमन का चक्र चलाया है। किसानों को बार बार यहाँ से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। पहले एक जत्थे की गिरफ्तारी हुई, अब दूसरे जत्थे की गिरफ्तारी हो रही है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा के किसानों को कहना चाहता हूँ, ये सिरसा अब किसानों के आंदोलन की कर्मस्थली बनेगी। जिंदाबाद, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये पक्के मोर्चे का ऐलान है, मोर्चा चलता रहेगा। सरसा के और हरियाणा के बाकी किसानों से आह्वान है कि आप भी उसी चौक पे आओ, वहीं पे आके धरना जारी रखो। जिसे कहते हैं दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। मेरा नाम प्रोमिला साहन, विधानसभा क्लर्क डिस्ट्रिक्ट कैथल से हूँ जी। मैं किसान आंदोलन के मेंबर हैं और स्वराज इंडिया के कैंडिडेट।
अभी आपके बहुत से साथियों को योगेंद्र यादव समेत तमाम किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ जी, हम उसकी गौर निंदा करते हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक कदम उठाया है सरकार ने। यह तो अपनी शांतिपूर्वक बात रखने के लिए आए थे, किसी से किसी तरह का कोई वो नहीं था, फिर भी सरकार ने इतना भद्दा जो वो इस तरह का स्टेप उठाया है, हम इसके लिए बहुत निंदनीय है। किसानों से क्या अपील करते हो? हाँ जी, किसानों से हम अपील करना चाहते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पहुंचकर इस शांतिपूर्वक आंदोलन को हमारे डिप्टी सीएम तक हम एक बात पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने एक दिन कहा था कि जब कोई अन्य वर्ग जागता है तो कानून तोड़ता है, लेकिन जब किसान वर्ग जागता है तो तोड़ता है। आज हम आपके मीडिया के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आज आपकी बात, ये देश का जो किसान यहाँ पहुंचा है, ये सरकार की कमर तोड़ने के लिए पहुंचा है। बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल जारी रहेगा सर। कोई बात नहीं, आ गए हैं तो पुलिस वाले, ये भी हमारे किसान भाइयों के बच्चे हैं और हम शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुँचा रहे हैं। सरकार हाथ नाले है नहीं पिछे, किसानों की जमीन नू पै गए है, जो कोई साढ़े घर नू पै गया असी कुछ भी करने तैयार है। मुर्दाबाद, खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। आप ये देख सकते हैं, एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है यहाँ पर। किसान जो है वो करते हैं, किसी का जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, किसी का किसे नहीं रहे, आधा हक लेके रहेंगे। पेट भरेंगे, तनखा का गुजारा चलता है, सारे किसान भरावा को बेनती है छेती तो छेती अनाज मंडी अच्छे फसल लेके आए ने, उन्हें क्या गुजारिश है फसल दी ट्रालियां ऐसे चौंके च आके लिया के रोको बाबे भूमण शाह चौंके च। ए सरकार नु पता लग गए कि अगे वाली सरकार किन्नी दलदाबाद च नहीं आई, ते इस चौंके च जिथे साडा धरना प्रदर्शन सी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।